हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2K's ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे वेक्टर कैलकुलस की, जिसके अंदर हमने बात करी थी ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन डेरिवेटिव फॉर एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्शन डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक, तो देखो, डायरेक्शन डेरिवेटिव किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन, मान लेते हो पॉइंट स्केलर पॉइंट फंक्शन है एफ, मान लेते हो स्केलर पॉइंट फंक्शन है एफ। ठीक है, एफ मतलब कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ है किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट में मतलब कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये एक्स वाई जेड कुछ भी एक नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, हो सकता है कि एक्स की वैल्यू हो 1, वाई की वैल्यू हो 2, जेड की वैल्यू हो 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट तो की है एक्स वाई जेड है। ठीक है, वो इस पॉइंट की डायरेक्शन में, मतलब कि ये जो फंक्शन की इक्वेशन है ये इस पॉइंट की डायरेक्शन में डिफाइन कैसे होगी, इस पॉइंट की डायरेक्शन डिफाइन होगी कैसे, उसको हम बोलेंगे इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव। और ये डिफाइन होगी ग्रेडियंट सॉरी ग्रेडियंट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी एन वेक्टर एन अपॉन मोडर बोर्ड ऑफ वेक्टर एन। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट पी। ठीक है, और ये जो है पूरा ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग एन। ठीक है, तो आपको तो मेनली ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या है फॉर्मूला, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट पी वेक्टर एन अपॉन मोडर बोर्ड ऑफ एम एन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ग्रेडियंट निकालना होगा। ग्रेडियंट निकालना हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, इसमें हम क्या करते हैं, हमको एक स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया रहता है, उसको हम उसके ग्रेडियंट निकालते हैं, और फिर उसको हम ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, उसका हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसको हम वेक्टर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। तो क्वेश्चन ये है कि मैं इधर लाइन खींच देता हूँ, हमको जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो हमको डायरेक्शन डेरिवेटिव करना है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब। ठीक है, पॉइंट दिए हैं इसके अंदर, पॉइंट पी क्या दिया है, 2, -1, 1। दूसरा, किसकी डायरेक्शन निकालना, तो हमको निकालना है डायरेक्शन में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसकी डायरेक्शन में हमको इस इक्वेशन का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें एक बात आपको क्लियर होगी कि ये जो हो गया ये हमारा हो गया क्या, इसके हम निकालेंगे ग्रेडियंट निकालेंगे, ये हमारा हो गया एफ फंक्शन, ये पॉइंट हो गया, और ये हमारा हो गया एन वेक्टर एन जिसका हम यूनिट वेक्टर निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको एफ दिया है, क्या दिया है हमको, एफ इक्वल टू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ग्रेडियंट निकाल लेते हैं हम डेल्टा एफ। ठीक है, डेल्टा एफ कैसे निकालेंगे, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब इसका जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई क्यूब। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा आई कैप, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy² प्लस
प्लस जेड स्क्वायर, ये गड़बड़ हो गया, जे कैप प्लस जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा टू वाई जेड के कैप। ये हमारा क्या निकल गया, हमारा निकल गया डेल एफ, जो कि क्या है हमारा वेक्टर ग्रेडियंट है। अब इस पॉइंट पुट कर दो टू कॉमा माइनस वन कॉमा वन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन आई कैप प्लस थ्री इंटू टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर जे कैप प्लस टू इंटू वाई की वैल्यू है माइनस वन, जेड की वैल्यू है वन के कैप। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आई कैप प्लस माइनस टू, ये वन हो गया, वन टू द टू, थ्री टू द सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन जे कैप, ये माइनस वन इंटू वन माइनस वन हो जाएगा माइनस टू के कैप। ये हो गया हमारा डेल्टा एफ। अब हम इसके डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये, हमको क्या रखना है, इधर फॉर्मूला देखो, ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस टू के कैप, ये हो गया इनटू, हमको इधर लेना है वेक्टर एन, वेक्टर एन क्या है हमारे पास, वेक्टर एन है, ये रहा हमारे पास वेक्टर एन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, अपॉन में हमको मोड ऑफ वेक्टर एन निकालना है। मोड ऑफ वेक्टर एन कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व, इसको अब इसका डॉट मल्टीप्लीकेशन होगा, डॉट मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, वन इंटू वन वन होगा, तो ये होगा और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर माइनस वन आना चाहिए शायद, देखो y की वैल्यू थी यहाँ पर माइनस वन, हमने यहाँ पर रखी वन, तो माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, तो ये मतलब कि माइनस आई कैप होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस सेवन टू जब फोर्टीन माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा अंडर रूट फोर्टीन, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सेवन अपॉन रूट फोर्टीन, अंडर रूट फोर्टीन। अगर इसको आप और ज़्यादा सॉल्व करेंगे आप अगर, तो क्या हो जाएगा, या क्या हम सेवन को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट सेवन इंटू सेवन अपॉन में रूट ऑफ सेवन इंटू टू, सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट ऑफ सेवन बाई टू, ये हो जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना आ गया होगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको फंक्शन दिया रहता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, उसके वेक्टर ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, जो भी पॉइंट दिया रहता है वो पुट कर देते हैं हम, ठीक है, सारी वैल्यूज, उसके बाद में उसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमको एक उसका वेक्टर एन दिया रहेगा हमको, जिससे कि हम उसको यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।